ईर्ष्या और जलन दो भावनाएं होती हैं जो व्यक्ति को निगेटिव बना देती हैं। इन भावनाओं को दूर करना बेहतर होता है, नहीं तो यह आपके अंदर निगेटिविटी को बढ़ाती जाती हैं। इसलिए इन्हें पॉजिटिवनेस में बदलकर लक्ष्य को पाया जा सकता है। ईर्ष्या और जलन दो निगेटिव भावनाएं हैं जो ज्यादातर व्यक्तियों में होती हैं। ये दोनों भावनाएं व्यक्ति को पॉजिटिव से निगेटिव बना देती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये दोनों भावनाएं एक ही होती हैं, लेकिन इनमें कई अंतर होते हैं जिसे दूर करना जरूरी होता है। अगर ईर्ष्या और जलन दोनों भावनाओं को दूर न किया जाए तो आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो चलिए बताते हैं आपको ईर्ष्या और जलन में क्या फर्क होता है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। ईर्ष्या और जलन में फर्क। लोगों को लगता है कि ईर्ष्या और जलन दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें अंतर होता है। किसी व्यक्ति के पास कुछ होने के बाद उस चीज को लेने की इच्छा ईर्ष्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके किसी फ्रेंड को अपनी पसंद की जॉब मिल गई पर आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जलन किसी चीज को खोने का डर होता है। आपके कलीग को आपसे बेहतर काम मिलने पर आपको जलन हो सकती है और आपको अपनी जॉब का खतरा होने लगता है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ईर्ष्या और जलन को कैसे बाहर करें। खुद को जज करना बंद करें। जब आपको किसी चीज से ईर्ष्या और जलन होती है तो आप खुद को जज करना बंद कर दें। आप अपनी सिचुएशन की तुलना किसी और व्यक्ति की तुलना कर ना करें। किसी से ईर्ष्या और जलन करने से बेहतर है कि आप उस चीज को पाने के लिए हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग में ज्यादा ख्याल भी नहीं आएंगे और आपको पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। लोगों की सराहना करें। ईर्ष्या और जलन से बाहर आने के लिए लोगों की सराहना करना सबसे जरूरी होता है। ऐसा करने से आपको ईर्ष्या और जलन दूर करने में हेल्प मिलेगी। दूसरों की सक्सेस से अपने खुश रहने के लिए रास्ता ढूंढें। यह आपको खुश रहने में हेल्प करेगी और ईर्ष्या और जलन दूर भी होती जाएगी। ईर्ष्या और जलन का लक्ष्य पाने में यूज करें। जब आपको एक बार अपनी ईर्ष्या और जलन का कारण पता चल जाए तो आप उसे पॉजिटिवनेस में बदल सकते हैं, जैसे अपने लक्ष्य को पाने में। ईर्ष्या और जलन का अपने लक्ष्य के पाने में यूज करने से निगेटिविटी दूर होती है और आपकी लाइफ में कई बेहतरीन चीजें होने लगती हैं।